हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। आज 2-3 दिन से मैं किचन में गई थी, आज इंशाल्लाह जाऊंगी करूंगी। थोड़ा बहुत है ना तलन करना पड़ता है, क्योंकि एक तैयारी देना होती है, इसके लिए तो करना होता है। कुछ नया तो नहीं, अपना जो रोज बनाते बस वही करना है। और मैं ना कपड़े सी रही थी, तो मैंने इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूट रेडी हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अभी कौन सा सूट सिया है। तो ये वाला मैंने सूट बेड उठ कर रेडी किया, फिर उसके बाद नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद में अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। थोड़ी देर में लेट गई थी, लेट इसलिए गई थी तो है ना, मैं सुबह से मशीन पर बैठी, तकरीबन 10:30-11 बजे से मैं मशीन पर बैठी थी, और मैं तकरीबन 2 बजे मशीन पर सूटी हूँ। फिर मैंने वजू नमाज अपना नमाज वगैरह पढ़नी थी, तिलावत करनी थी, बस उसी में थी। और अब तकरीबन है ना, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई, फिर मैं खाला की कॉल आ गई, खाला से बात की, और जी अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अब बज रहे हैं 4, और आज 4 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि भाई मैंने कपड़े सीना है, बहुत ज़रूरी काम है, तो हर चीज़ में मोबाइल लेकर नहीं कर पाती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सूट हो गया रेडी। इसी में का एक सूट और है, तो वो परसों दिन सीऊंगी, क्योंकि कल मैंने चाची को सीकर देना है, उन्हें बड़ी रात पर सूट पहनना है ना, तो वो वाला सूट सीकर देना है, तो कल मैं उनका सीऊंगी। और परसों के दिन इसमें का जो दूसरा सूट है वो रेडी करेंगे। तो जी अब 4 बज गए हैं, तो चलते हैं किचन में, अम्मी से पूछते हैं क्या बनाना है। अम्मी को पहले फिक्र हो जाती है कि तैयारी में क्या बनाना है, और जी कीमा ला के रखे, देखते हैं अम्मी खुशी कीमा बनाना है खाने में, वो बना लेंगे, और तैयारी भी थोड़ी बहुत बना लेंगे। बच्चे इतना सता रहे हैं, और सच मानो आज पानी की इतनी दिक्कत है, कल से पानी नहीं आया है। आज आया तो आज आएगा पानी, क्योंकि परसों के दिन आया था, तो कल पानी नहीं छोड़ा, आज इतनी दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, और पानी अभी तक भी नहीं आया है। अब इफ्तार के टाइम में पानी छोड़ेगा या जब बाद में पानी छोड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि पानी किसी से ले लो। है यहाँ पर 1-2 लोगों के पास बोर है पानी की, बस जिसको देना होता है वो दे देता है, जिसको नहीं देना होता है वो नहीं देता है। बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा पानी बचा है, जिसमें हम लोग वजू वगैरह कर रहे हैं, बस उतना ही पानी है, आज पानी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि चलो भाई यहाँ का ये हफ्सी जो नल हुआ करता था उसे पंप मार के पानी लेकर आ जाओ, वैसा भी नहीं है। पहले टैंक चलते थे पानी के, वो भी नहीं है, वो भी बहुत महंगे है फ्रेंड्स, ऐसा ले तो ले कैसे, क्या दे दो किसको, पापा का मोबाइल दे दूं? हाँ। मम्मी के पास है पापा का मोबाइल, मैं कह रही पापा का फोन दे दो, पापा का फोन दे दो, पापा का फोन दे दो, समझ में भी नहीं आ रहा था मेरे पहले क्या कह रही बच्चे दोनों भी। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ पहले मैंने कौन सा सूट सिया है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सूट आज मैंने रेडी किया जिकर, ये अस्तर वाला ड्रेस था। ये देखिए इसका नेक का डिज़ाइन तो आसान था, क्योंकि पान वाला गला था ना, तो ये जल्दी बन गया। और जी अस्तर वाले सूट में वैसे तो टाइम लग ही जाता था, तकरीबन 3 घंटे, और ये वाली स्लीव मैंने इसकी बनाई थी। ये देखें इस पर लेस इन्होंने ला के दी थी, तो मैंने लेस लगा दी है। और जी ये रही इसकी पैंट, तो ये इसके बॉटम पर भी इन्होंने लेस लगवाई थी। तो ये वाला सूट तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। जो दूसरा आप भी है ना तैयारी करते हैं इफ्तार की, क्योंकि देखो मैं बस बोल रही थी ना, 4:10 हो चुके हैं, और माही मैडम घूम गई किचन में अपना फ्रूट व्रूट काटने, मेरा इनका आटा गुना ज़्यादा है यहाँ पर, सिर्फ 2 पारे बाकी है फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में 2-3 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई नहीं की, 2 पारे बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पारों के बाद में मेरा कलाम पाक कम्प्लीट हो जाएगा, तो फिर 26वें रोज़े को भी बख्शना है, तो वो भी बख्श देंगे हैं। और जी मैं अम्मी से पूछती हूँ, अम्मी बेचारी पानी के लिए परेशान है, पानी का कैसा होना, क्योंकि आज हमने बच्चों को नहीं नहलाया, आज बच्चे भी नहीं नहाए, मतलब पानी नहीं था, फिर नहलाएंगे कहाँ से बच्चों को, बहुत परेशान हो गए आज तो हम। बच्चे हमारे सोए नहीं है, रोज़ दोपहर में सोने वाले नहाकर सो जाते, तो आज सोए नहीं है, बस मुँह हाथ धुला के कपड़े चेंज कर दिए थे इनके। हाँ बेटू दूध दे दूँ? हाँ। अच्छा ठीक है चलो, कहाँ है इसकी बॉटल, कहाँ है, अंदर है, दूध चाहिए ना? हाँ। चल दूध देती। हाँ, हाँ दूध चाहिए यार, हाय मेरे को तो किचन का नाम से ही घबराहट हो रही है। फ्रेंड्स आज है रमज़ान का 24वां रोज़ा, तो आप सभी को रमज़ान का 24 रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में लेके आया, तो जी मैं आई हूँ किचन में फ्रेंड्स, और जी देखते हैं आप क्या बनाना है। तो यहाँ बच्चों का दूध रखा है, आटा है, अम्मी को पूछती हूँ क्या बनाना है, अम्मी क्या बनाना,
क्या बनाना? वो देखो तुम्हारी बहू 2 दिन करके गल गई। हाँ कीमा रख देती हूँ बनने के वास्ते, कीमा बन जाएगा और फिर इसके बाद में थोड़े से पकोड़े तल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कीमा रखा हुआ था फ्रिज में, तो हम इसे ही बना लेते हैं। तो ये हमारा कीमा जिसे मैं अच्छे से धोकर लेकर आ गई थी और उसमें सब कुछ मैंने अब ऐड कर दिया जो भी ऐड करें मसाले वगैरह, और जी अब इसे अच्छे से हम लोग चला लेंगे फ्रेंड्स, तो ये जल्दी से बन जाएगा। तो पहले मैं यही बना लेती हूँ, तो यहाँ कुकर की लीड मैंने लगा दी है, अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट में तो बन ही जाएगा। तो जी कीमा तो रख दिया मैंने बनने के लिए, कीमा बन जाएगा तकरीबन 15-20 मिनट में, कीमा 15 मिनट में तो कीमा बन ही जाएगा 15 से 20 मिनट में। उसके बाद हम लोग करेंगे चेक तैयार, लेकिन जब तक हो जाएगी असर की अजान तो हमें नमाज भी अदा करनी होगी फ्रेंड्स, तो नमाज भी अदा कर लेंगे और जिसके बाद हम लग जाएंगे थोड़े से पकोड़े बना लेंगे। वैसा कुछ नया तो नहीं बना रहे, बस पकोड़े बनाना है थोड़े से, क्योंकि इफ्तार के लिए बनाना पड़ता है ना, हम लोग बाहर इफ्तारी जाती है 3-4 जगह, तो फिर देने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मीठा मीठा तो कोई भी दे सकता है, पर तीखा भी तो कुछ होना चाहिए, इसलिए हम पकोड़े बना लेंगे थोड़े से प्याज के। तो अभी प्याज कट करनी है उसके वास्ते, और जी बस फ्राई करना है अपना और कुछ नहीं। मैं सच में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत सुबह से मशीन पे बैठती हूँ ना, मेरा मुझे ही पता है कि भाई मेरी हालत इस टाइम कैसी है। सबसे ज़्यादा मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है ना, तो वो ज़्यादा मुझे दिक्कत होता है। तो मम्मी लेके बैठी हैं बच्चों को बाहर, पानी का वेट कर रही चाय कि पानी आ जाए। गर्मी से सच मानो ना हालत इतनी ख़राब हो रही है, इतनी तपिश है। तो ये टीम के घर है ना, तो दिन में बहुत गर्म होते हैं, हाँ रात में इतना है कि रात में जरा राहत होती है, ठंडे हो जाते हैं ना जल्दी, तो गर्म हवा नहीं लगती। फिर हम कूलर लगाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कूलर से बहुत सारा मिल जाता है। चलो मैं ये तो रख दिया बनने के लिए, अब माई मैडम से कहती हूँ कि थोड़ी सी प्याज कट करके दे दें मुझे, तो मैं पकोड़े बना लूँ नमाज के बाद। अब उनका भी मूड ज़रा, आजकल वैसा इंसान थक जाता है ना कर करके, ऐसा है बस, कुछ नहीं, हर कोई थकता है, जब हम थकते हैं तो भाई वो भी थकते होंगे, ऐसा कोई कह नहीं है ना। चार सूट सीने के रह गए बाहर के, वो भी कंप्लेन कर लेंगे, सब हो जाते हैं, फिर सब आएंगे, सब ले लेके जाएंगे, सब मुझे पैसे देंगे, फिर अपने पैसों से कुछ करेंगे, अपना पैसा अपना होता है भाई। तो जी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, आप फटाफट से ना सब फ्राई कर लेते हैं। तो ये आलू कट करके रखे हैं मैंने, पहले आलू के पकौड़े बनाते हैं। यहाँ मेरा कीमा रेडी हो चुका है और जी अब मैंने सब फ्राई कर लेना है। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी से एक सवाल पूछा था, वो ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था। तो उसका सही आंसर है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम राहिल था। सबसे पहले जो आंसर दिया है हमारे सलीम फरीदी भाई ने, सेकेंड आंसर दिया है आयशा नाज ने, और थर्ड आंसर दिया है हमारी आलिया सिलाई कटिंग सिस्टर ने। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का जवाब देने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ मेरे पकौड़े रेडी हो चुके हैं और यहाँ कीमा भी रेडी हो गया है। यहाँ अम्मी पढ़ रही है असर की नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हो गई है असर की नमाज, और जी अब हम है ना जो बाकी का फ्राई करने का पकौड़े हो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि एक तो मैंने कर लिया आलू के, और जो दूसरे वाले हैं वो अभी बाकी हैं, तो वो भी कर लेती हूँ। इस वक्त बजने वाले हैं कि 6:15 बजने वाले हैं अभी, 6:15 बजे, और पानी अम्मी अभी तक अम्मी है ना पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, बेचारी इधर उधर दे देख रही हैं, पानी आ जा। हम लोग बाहर की जो टाँकी है तो 1000 लीटर की, तो वही भर लेंगे, क्योंकि वहाँ वो भरना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, फिर हम इस थोड़ा पानी निकाल के यूज़ कर लेते हैं ना। अभी से नींद नहीं है, आज सोई नहीं है ये बच्ची, बिल्कुल आए तो सो गई, इन्हें नहलाया हमने, पानी था ना थोड़ा सा पानी निकाल के इन्हें नहलाया हमने, क्योंकि बच्चे एकदम ऐसे हो गए थे ना बिना नहाए परेशान एकदम। तो फ्रेंड्स ये है रमज़ान का तीसरा आशुरा, और जी अब है कल जुमा, लास्ट जुमा है कल रमज़ान का। तो कल जुमे की एक नमाज़ होती है, तो मैं उसका जो मतलब वो नमाज़ कितनी रकात है कितनी पढ़नी है, तो वो मैं डाल दूँगी पोस्ट जो करती हूँ ना, पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी कि वो नमाज़ में कितनी रकातें हैं कैसे कैसे पढ़ना है। तो आप सभी ज़रूर पढ़ना वो नमाज़ें, क्योंकि एक एक नमाज़ एक एक रकात का, और उस नमाज़ के हमारी जो पिछली जो नमाज़ें हमारी कज़ा है ना, तो वो सब उसमें अदा हो जाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह पोस्ट ज़रूर करूँगी, आप लोग भी पढ़िएगा इंशाल्लाह, हम भी लोग कल वो नमाज़ पढ़ेंगे। तकरीबन जब से मुझे मालूम पड़ा इस नमाज़ का, तब से वो नमाज़ मैं पढ़ती हूँ, और मेरे साथ साथ मेरी अम्मी माही मेरी बहनें सब पढ़ती हैं वो नमाज़। तो वो पोस्ट मेरे पास आज भी है, तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी है ना नमाज़ ज़रूर अदा कीजिएगा, बहुत ज़रूरी नमाज़ है, लास्ट जुमे की है, अलविदा का जुमा जो आता है रमज़ानों का, शायद 4 रकात नमाज है, वो आयतुल कुर्सी पढ़ना होती है नमाज के अंदर। तो उसमें सब तरीका है कितनी पढ़नी है कैसे पढ़नी है किस टाइम पढ़नी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग भी अदा कीजिएगा। कहते हैं वो नमाज़ अदा करने से हमारी पिछली
कई सालों की नमाजें अदा हो जाती है, जो कज़ा नमाजें ना वो अदा हो जाती हैं। A few moments later. तो जी लगा दिया दस्तरखान, चाय भी सब ला के रख दिया, और जी टाइम हो रहा है 6:15। यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ अल्लाह पाक। हाँ बेटा ये देखें फ्रेंड्स, इफ्तार लग चुका है। देखिए फ्रेंड्स, रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा है, यानी कि 6:30 बज रहे हैं। उसी टाइम पर हमारे यहाँ पानी आया हुआ है। मम्मी ना बाहर की टाँकी भर रही हैं, जो बाहर जो टैंक रखी हुई है ना 2,000 लीटर की, मम्मी वो भर रही हैं। बताओ एकदम रोज़ा खोलने का टाइम है, ऐसे टाइम पे पानी छोड़ रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं लोग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं तो हिसाब देना पड़ेगा। चलो अभी मैं तैयार दे देती हूँ, मदद की मैंने निकाल कर दी है, पड़ोस में दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हम लोग का रोज़ा खुल गया था, नमाज भी हो गई थी, और यहाँ हमारी रोटी बन रही है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, यानी कि लेट गई थी बस थोड़ा सा, और जब मुझे बहुत भूख लगी है तो पहले मैं ना थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। तो ये हमारा कीमा बना हुआ था, तो ये खा लेते हैं। उसके बाद मैंने फिर इशा की नमाज़ अदा करना है, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं रात के 10। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई, खाना भी हो गया, और अब बारी है मेरे आज के सवाल की। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का सवाल है कि बनी इसराइल के सबसे पहले अंबिया कौन थे। मैं अपना सवाल फिर से रिपीट करती हूँ कि बनी इसराइल के सबसे पहले अंबिया कराम कौन थे। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ अब इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, गुड नाइट, शब खैर।